नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे खुशी और विशेष खुशी हो रही है। आज हमारे बीच अरिहंत के कप्तान और सारे बहादुर सैनिक मौजूद हैं। साथियों, आज धनतेरस के दिन परंपरा के तौर पर हम भारतीय अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ नई, कुछ विशेष वस्तु लाते हैं। यह नई वस्तु समृद्धि के शुभ प्रतीक भी होती है और भविष्य के लिए एक मंगल कामना भी। आप लोगों ने देश को इस दीपावली पर अरिहंत के सफल अभियान के रूप में एक ऐसा अनूठा अनुपम उपहार दिया है जो भारत के इतिहास में बेमिसाल है। जब देश दुर्गा पूजा और विजयादशमी का उत्सव मना रहा था, तब आप अरिहंत, उसके साथ आप सब देश के दुश्मनों के विनाश के लिए और हमारे देश की रक्षा के लिए आप सारे अभियान में और अभ्यास में जुटे हुए थे। आपका ये अभियान श्री और समृद्धि की सुरक्षा और संरक्षा के लिए एक तपस्या तो है ही है। हमारे परिवेश में परमाणु हथियारों की बढ़ोतरी के बीच देश की सुरक्षा के लिए क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस बहुत आवश्यक है। अरिहंत का अर्थ है दुश्मन को नष्ट करना। अरिहंत की सफलता देश के लिए एक बहुत बड़ी, एक बेमिसाल उपलब्धि है। देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अरिहंत भारत के दुश्मनों के लिए, शांति के शत्रुओं के लिए एक खुली चेतावनी है कि वे भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस न करें। अरिहंत की सफलता न्यूक्लियर ब्लैकमेल का माकूल और मुंह तोड़ जवाब है। आपकी इस सफलता ने भारत की सुरक्षा को कई गुना सुदृढ़ और सशक्त किया है और भारत का, हर भारतीय का मस्तक एक बार फिर गर्व से ऊंचा हुआ है। इसलिए आज पूरे देश और 125 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं अरिहंत के डेटरन पेट्रोल के बाद आपकी वापसी पर आपका हार्दिक स्वागत करते हुए अपार खुशी का अनुभव कर रहा हूं। सारा भारत आपका कृतज्ञ है कि आपने पिछले लगभग एक माह के दौरान हमारे परमाणु त्रिकोण के तीसरे कोण को अभूतपूर्व सफलता के साथ स्थापित कर दिया है। न्यूक्लियर ट्रायंगल से हमने अपने परमाणु हथियारों की क्रेडिबल डिटरेंस, उसकी क्षमता स्थापित कर दी है। मैं इस प्रयास से जुड़े सेना के सभी अधिकारियों, सैनिकों, वैज्ञानिकों और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को और अरिहंत तथा पूरे कर्मी दल को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन भी करता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सभी ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और टीम स्पिरिट के साथ एक अथक परिश्रम किया और देश की सुरक्षा के लिए अपने उद्देश्यों को अचीव किया, हासिल किया। साथियों, आज न्यूक्लियर ट्रायंगल की सफल स्थापना पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी और भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री कलाम की याद आना बहुत स्वाभाविक है। 1998 की सफलता को हमने पूर्ण सामर्थ्य में आज बदल दिया है। आज की हमारी यह सफलता और क्षमता भारत ने अपने बलबूते पर हासिल की है। यह सामर्थ्य देश के उज्जवल भविष्य के लिए और शक्तिशाली नए भारत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। साथियों, भारत शांतिप्रिय देश है। शांति और सद्भाव की हमारी परंपरा हमारी ताकत है, यह हमारी कमजोरी नहीं। शांति के लिए हमारी प्रतिबद्धता का स्रोत और आधार यही हमारी शक्ति है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। हमारी परमाणु हथियार आक्रामक नीति का हिस्सा नहीं है, ये शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आपकी यह सफलता हमारे क्षेत्र और पूरे इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा व स्थिरता के लिए बहुत महत्व रखती है। विश्व शांति और स्थिरता के लिए भारत का योगदान अग्रणी रहा है और आगे भी रहने वाला है। विश्व भली भांति जानता है और उसे पूरा भरोसा है कि भारत एक जिम्मेवार परमाणु शक्ति है। सदैव सतर्क रहना और सुरक्षा के कठोर से कठोर नियमों का पालन करना ये भारत की परंपरा रही है। साथियों, हमारे देश का एक जीवन दर्शन रहा है कि राष्ट्र रक्षा समम पुण्य, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च नैव च, यानी मैं राष्ट्र रक्षा जैसा न तो कोई पुण्य देखता हूं, न राष्ट्र रक्षा जैसा कोई व्रत और न ही राष्ट्र रक्षा जैसा कोई यज्ञ। मैं कामना करता हूं कि आप हमेशा इसी मंत्र को लेकर के राष्ट्र और राष्ट्र की रक्षा को सर्वोपरि रखेंगे। आपकी सफलता उस अभयम का भी संदेश लेकर आती है, निर्भयता का भी संदेश लेकर के आती है। राष्ट्र को अभयम का वचन दे रही है, राष्ट्र को निर्भयता का संकल्प दे रही है और इसलिए मैं आप सबको अनेक अनेक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।